हेलो, मैं हूँ कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में, और आज हम जानेंगे रेलवे के जोन्स के बारे में। अब आपका सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि रेलवे जोन्स आखिर क्यों बनाए गए? तो इसका आंसर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब जैसे कि हमारा ये पूरा देश है, या फिर आप किसी भी देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वहाँ पर कई सारे स्टेट्स होते हैं। तो अब ये स्टेट्स आखिर होते क्यों हैं? अब कोई भी अगर एक जन पूरे देश की जिम्मेदारी ले लेगा तो आखिर वो कितने पार्ट्स को देख पाएगा? इसलिए मेन चीज़ों को कई भाग में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा अच्छा हो जाए, और इसलिए रेलवे के भी कई सारे जोन्स बन गए। अब भाई, क्योंकि इंडियन रेलवेज तो बहुत बड़ा है, लेकिन रेलवे के जोन्स बनने के बाद उसका मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, और वो ट्रेन का एक्सीडेंट होता है नागपुर के पास। अब नागपुर आता है सेंट्रल रेलवे में, तो जो ऊपर की अथॉरिटी है वो डायरेक्टली सेंट्रल रेलवे से बात करेगी कि भैया तुम्हारे यहाँ पे क्या हुआ। और बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं, अब जैसे कि उस डिवीज़न की मालगाड़ी कंट्रोल करना, उस डिवीज़न के स्टेशन को डेवलप करना, ऐसे ही कई सारे काम होते हैं जो कि हर जोन के पास होते हैं। और ये ज़रूरी भी है, अगर ये ना हो तो फिर रेलवे अपना अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी। और सिर्फ मैनेजमेंट के पर्पज़ से रेलवे के जोन्स बनाए गए, मतलब कि उसे कई सारे टुकड़ों में तोड़ा गया। और यहाँ मैं बता दूँ कि रेलवे के टोटल 18 जोन्स हैं, उसमें एक कोंकण रेलवे भी और आता है, लेकिन कोंकण रेलवे को काउंट नहीं करते रेलवे जोन में। अब क्यों नहीं काउंट करते ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो बाकी के 18 हैं आप उनके बारे में समझ लीजिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे रेलवेज के नाम भी याद हो जाएं। तो सबसे पहले तो आप चार गिन लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, मतलब कि नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और साथ ही साथ वेस्टर्न रेलवे। अब इनमें सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्दर्न रेलवे के बारे में। तो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके अंडर में आने वाले जो डिवीजन्स है उनका नाम है दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ और साथ ही साथ मुरादाबाद। इसके बाद हम आते हैं सदर्न रेलवे में। तो सदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आता है चेन्नई में, और इसके अंडर के डिवीजन्स है चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुराई, पलक्कड़, सालेम और साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम। इसके बाद हम आते हैं ईस्टर्न रेलवे पे। तो ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर होता है कोलकाता, और उसके अंडर आने वाले डिवीजन्स का नाम है हावड़ा, सियालदा, आसनसोल और साथ ही साथ मालदा। और इसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न रेलवे में। तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई सेंट्रल, और इसमें जो डिवीजन्स आते हैं उनका नाम है मुंबई, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और साथ ही साथ वडोदरा। अब आपने सबसे पहले तो ये मेन चार डिवीजन देख लिए। अब इसके बाद एक और मेन में आता है जो है सेंट्रल रेलवे। तो ये हो गया अपना बीच का। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मतलब कि मुंबई सीएसटी, और इसके अंडर आने वाले डिवीजन्स हैं मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर और साथ ही साथ नागपुर। अब आपने सबसे पहले तो ये पांच जोन्स देख लिए। अब हर जोन के इन चारों जोन में आप एक सेंट्रल को और मिला दीजिए, मतलब कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साथ ही साथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे, एनसीआर, एससीआर, ईसीआर और डब्ल्यूसीआर। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनसीआर के बारे में, मतलब कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो इसका हेडक्वार्टर आता है प्रयागराज में, और इसके अंडर के डिवीजन्स है प्रयागराज, आगरा और साथ ही साथ झांसी। इसके बाद हम आते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे पे, मतलब कि एससीआर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद का मतलब है कि वो हैदराबाद सिटी में पड़ता है, और इसके अंडर में आने वाले डिवीजन्स हैं सिकंदराबाद, हैदराबाद और साथ ही साथ नांदेड़। अब हम आते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, मतलब कि ईसीआर। इसका हेडक्वार्टर आता है हाजीपुर में, और ईसीआर के अंडर में आने वाले डिवीजन्स हैं दानापुर, धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, समस्तीपुर और साथ साथ सोनपुर। और इसके बाद हम आते हैं डब्ल्यूसीआर पे, मतलब कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जबलपुर में, और इसके अंडर में आने वाले डिवीजन्स हैं जबलपुर, भोपाल और साथ ही साथ कोटा। तो आपने यहाँ पे पहले के 9 जोन्स तो ऐसे ही देख लिए। सबसे मेन तो ये 5, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। फिर बाकी इन चारों के सेंट्रल, मतलब कि नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल और साथ ही साथ साउथ सेंट्रल। तो आधे तो जोन्स आपने यहाँ पे देख लिए, और बाकी के आधे अब हम कवर करते हैं। अब यहाँ पर आप ईस्ट और वेस्ट दोनों को मिला दीजिए नॉर्थ और साउथ में, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और साथ ही साथ साउथ वेस्टर्न रेलवे। सबसे पहले हम जानेंगे एनईआर, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है गोरखपुर में, और एनईआर के अंडर में आने वाले डिवीजन्स है इज्जतनगर, लखनऊ और साथ ही साथ वाराणसी। इसके बाद हम जानते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बारे में, मतलब कि एनडब्ल्यूआर। तो इसका हेडक्वार्टर आता है जयपुर में, और एनडब्ल्यूआर के अंडर में आने वाले डिवीजन्स है जयपुर, अजमेर, बीकानेर और साथ ही साथ जोधपुर। इसके बाद हम आते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता, और इसके अंडर में आने वाले डिवीजन्स है आद्रा, चक्रधरपुर, रांची और साथ ही साथ खड़गपुर। और इसके बाद हम फाइनली आते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे में, जिसका हेडक्वार्टर आता है हुगली में, और इसके अंडर में आने वाले डिवीजन्स है हुगली, बैंगलोर और साथ ही साथ मैसूर। तो यहाँ आपने वेस्ट और ईस्ट को नॉर्थ और साउथ में मिला दिया, जिससे कि चार डिवीजन्स और बन गए। अब इसके बाद जो दो डिवीजन्स हैं वो कोस्टल एरिया में पड़ते हैं। अब भाई, कोस्ट का मतलब होता है कि समुद्र के बाजू बाजू जो भी ट्रैक बने हुए हैं उसे हम कोस्टल रेलवे बोल देते हैं। अब इसमें भी दो रेलवे आते हैं, पहला तो है ईस्ट कोस्ट रेलवे और उसके बाद है साउथ कोस्ट रेलवे, मतलब कि ECOOR और है SCOOR। तो सबसे पहले हम जानेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे के बारे में।
इसका हेडक्वार्टर आता है भुवनेश्वर में, जो कि ओडिशा की राजधानी भी है। और इसके अंडर में आने वाले डिविजन्स है खुर्दा रोड, संबलपुर और साथ ही साथ रायगढ़। इसके बाद हम जानते हैं साउथ कोस्ट रेलवे के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है विशाखापट्टनम में, और इसके अंडर में आने वाले डिविजन्स है वालतेर, विजयवाड़ा, गुंटूर और साथ ही साथ गुंटकल। अभी टोटल 3 जोन्स और बाकी है, और ये तीनों जोन्स थोड़े से ऑड वन आउट है, जिसमें कि सबसे पहला आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब कि SECR। ये आप थोड़ा सा अजीब मान सकते हैं, लेकिन ये जोन की खासियत ये है कि अब इस जोन की खास बात ये है कि पूरे इंडियन रेलवेज में सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करने वाला ये जोन है, मतलब कि SECR, जहाँ पर इतनी ज्यादा मालगाड़ियाँ चलती है कि ये रेलवे को सबसे ज्यादा रिवेन्यू देता है, मतलब कि आप इंडिया का सबसे अमीर रेलवे जोन भी बोल सकते हैं SECR को। अब SECR का हेडक्वार्टर आता है बिलासपुर में, और इसके अंडर में आने वाले डिविजन्स है बिलासपुर, रायपुर और साथ ही साथ नागपुर। इसके बाद हम जानते हैं दूसरे ऑड वन आउट के बारे में, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसे कि हम NFR भी कहते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मतलब हो गया कि जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, जहां पर पटरियां फिलहाल अभी तक पूरी अच्छी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी कनेक्टिविटी को काफी अच्छी कर रही है इंडियन रेलवे, तो वो पूरा सेक्शन आता है NFR में। तो इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में, और NFR के अंडर में आने वाले डिविजन्स है अलीपुरद्वार, कटिहार, रंगिया, लमडिंग और साथ ही साथ टिनसुकिया। ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। और इसके बाद हम जानते हैं आज के सबसे लास्ट और 18th जोन को, जिसका नाम है कोलकाता मेट्रो। अब आप सोच रहे होंगे कोलकाता मेट्रो ये कैसा जोन हुआ, तो मैं आपको बता दूं, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो बनी थी इंडिया में, और वहां की मेट्रो अकेली ऐसी मेट्रो है जिसे इंडियन रेलवेज ने बनाया था, और उसे कंट्रोल भी इंडियन रेलवेज करता है, वरना बाकी जितनी भी जगह की मेट्रो है तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के कंट्रोल करते हैं, दोनों मिला के बनाते हैं, और रिवेन्यू भी दोनों का रहता है। लेकिन वहीं अगर हम सिर्फ कोलकाता की बात करें तो वहां की मेट्रो बनाई थी इंडियन रेलवेज ने। वैसे ये जान के आपको एक और डाउट आ रहा होगा कि इंडियन रेलवेज ने बाकी जगह मेट्रो क्यों नहीं बनाई, तो मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवेज एक जगह में ही थक गई। एक्चुअली क्या हुआ कि इंडियन रेलवेज तो भाई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतने बड़े एरिया को कवर करता है, लेकिन अगर सिर्फ कोलकाता की बात करी जाए तो वहाँ पे स्टेशन बहुत छोटी छोटी जगह पे बने हैं, और उसकी वजह से इंडियन रेलवेज को ज्यादा वो काम पसंद नहीं आया कि इतने छोटे से एरिया के लिए उसको जोन बनाना पड़ा। इसलिए इंडियन रेलवेज उसके बाद से कहीं भी मेट्रो नहीं बनाई, और कोलकाता मेट्रो का जो हेडक्वार्टर है वो तो कोलकाता ही होगा, और इसमें कौन से डिवीजन आएंगे, ये तो वैसे ही इतना छोटा सा जोन है। तो अब आपने यहाँ पे सारे डिवीजन को कवर कर लिया, सिर्फ एक कोंकण रेलवे थोड़ा अलग है, तो कोंकण रेलवे को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाकी आई होप आप ये सब समझ गए होंगे कि ऐसे डिवीजन को कैसे काउंट करते हैं। बाकी मैं आपको एक और बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले तो जो मेन 5 है आप उन्हें कंसिडर करिए, मतलब कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके बाद सबका सेंट्रल ले आइए, मतलब कि नॉर्थ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल और साथ ही साथ साउथ सेंट्रल। तो टोटल मिला के यहाँ पर 9 हो गए, मतलब कि आधे तो यहीं पे हो गए। अब इसके बाद नॉर्थ और साउथ में ईस्ट और वेस्ट को मिला दीजिए, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न। तो यहाँ पर 4 और हो गए, मतलब कि 13। दो अब कोस्ट वालों को मिला दीजिए, मतलब कि ईस्ट कोस्ट और साथ ही साथ साउथ कोस्ट, यहाँ पर हो गए 15। अब बाकी है 3। तो बाकी के 3 जोन्स तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़े ऑड वन आउट है, ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। पहला है SECR, मतलब कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। दूसरा है NFR, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए है। और लास्ट है कोलकाता मेट्रो, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोलकाता के लिए है। तो यहाँ पे आपने टोटल 18 जोन्स को बड़े आराम से समझ लिया होगा, उनके हेडक्वार्टर भी आप समझ गए होंगे, और उनके अंडर में आने वाले डिविजन्स भी। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद आपको थोड़े पसंद आए। सबसे पहले तो कोलकाता के बारे में, तो कोलकाता 3 जोन्स का हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और साथ ही साथ कोलकाता मेट्रो। इसके बाद लखनऊ और नागपुर, ये दोनों भी 2 रेलवे जोन्स के डिविजन्स हैं। लखनऊ आता है नॉर्दर्न रेलवे और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में भी, और वहीं नागपुर की बात करें तो ये आता है सेंट्रल रेलवे और साथ ही साथ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब कि CR और SECR दोनों में ये आता है। अगर हम मुंबई की बात करें तो वो भी 2 जोन्स का हेडक्वार्टर है, बस हाँ थोड़ा एरिया को अलग अलग बोल सकते हैं, जैसे कि मुंबई CST थोड़ा अलग हो गया और मुंबई सेंट्रल थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन वेस्टर्न रेलवे और साथ ही साथ सेंट्रल रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में ही आता है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, सबसे ज्यादा पंचुअल अगर आप रेलवे की बात करें तो उसमें आता है वेस्टर्न रेलवे, जहां की ट्रेन काफी ज्यादा पंचुअल होती है, और सबसे अमीर तो मैंने बता ही दिया कि SECR। अब बस एक बाकी रह गया है कोंकण रेलवे का, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम विस्तार से समझेंगे। बाकी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हर जोन का जो टॉप लेवल अधिकारी होता है उसे हम कहते हैं GM, मतलब कि जनरल मैनेजर, और वहीं हर डिवीजन का जो टॉप लेवल अधिकारी होता है उसे हम कहते हैं DRM, मतलब कि डिविजनल रेलवे मैनेजर। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पोस्ट्स हैं रेलवे में, जो कि डिविजनल और साथ ही साथ जोनल दोनों भी होती है। इनके बारे में भी हम जानेंगे किसी और वीडियो में, जिसमें मैं आपको सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगा और उनके जो टॉप ऑफिसर होते हैं उनके बारे में भी। तो आई होप आज आपने जान लिया होगा सारे जोन्स को, उनके हेडक्वार्टर्स और उनके डिविजन्स को भी, और सारे जोन्स आपको याद भी हो गए होंगे बड़े आसान तरीके से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।